नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रमेश, आपका स्वागत करता हूं YouTube चैनल LIC इंश्योर में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम LIC के दो पेंशन प्लान के बारे में बात करेंगे, साथ साथ में उसे कंपेयर भी करेंगे। पहला है LIC का जीवन अक्षय प्लान, जिसे LIC ने प्लान नंबर 857 दिया है, वही इसे कंपेयर करेंगे LIC के जीवन शांति प्लान से, जिसका प्लान नंबर है 850। जीवन अक्षय प्लान की बात करें तो इस प्लान को 6 से LIC ने अपग्रेड करके जीवन अक्षय 7 कर दिया है, जिसे मार्केट में 25 अगस्त 2020 को वापस LIC ने लॉन्च किया। इसके विशेषता के बारे में बात करें तो नॉन लिंक नॉन पार्टिसिपेटिंग सिंगल प्रीमियम एनुटी प्लान है, इसमें 10 टाइप्स की एनुटी ऑप्शंस मिल रही है। वहीं अगर जीवन शांति प्लान की बात करें तो LIC ने इसमें परिवर्तन करके 25 अगस्त 2020 को वापस से मार्केट में लॉन्च किया। इसकी विशेषता भी लगभग जीवन अक्षय के समान ही है, नॉन लिंक नॉन पार्टिसिपेटिंग सिंगल प्रीमियम एनुटी प्लान, लेकिन इसमें दो प्रकार के डिफॉल्ट एनुटी ऑप्शंस मिल रहे हैं। दोस्तों अगर आपने पहले कभी देखा होगा तो जीवन शांति प्लान में इमीडिएट एनुटी ऑप्शन और डिफॉल्ट एनुटी ऑप्शंस दोनों मिलते थे, बट यहां पर 25 अगस्त 2020 के बाद LIC ने इसमें परिवर्तन करके इमीडिएट एनुटी ऑप्शंस को निकालकर जीवन अक्षय प्लान को वापस से लॉन्च किया। तो अब आप जीवन शांति प्लान में सिर्फ डिफॉल्ट एनुटी ऑप्शन ही ले सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम दोनों प्लान को कंपेयर करेंगे, दोनों प्लान के एलिजिबिलिटी एंड रिक्वायरमेंट के बारे में बात करेंगे, साथ साथ में इसके एनुटी ऑप्शंस और इसके बेनिफिट के बारे में बात करेंगे, और किस एनुटी ऑप्शंस में कितना परसेंटेज मिल रहा है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल के वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन बटन के साथ में ऑल ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, जिससे मेरा इंश्योरेंस रिलेटेड वीडियो आपको मिलता रहे। एलिजिबिलिटी एंड रिक्वायरमेंट की बात करें तो जीवन अक्षय प्लान और जीवन शांति प्लान में LIC ने मिनिमम जो एज एंट्री रखी है वो 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। मैक्सिमम एज एंट्री में जीवन अक्षय प्लान में 100 साल तक आप ऑप्शन एफ में पॉलिसी को परचेस कर सकते हैं, वही 85 ईयर्स भी एक्सपेक्टेड ऑप्शन एफ में आप पॉलिसी को परचेस कर सकते हैं, लेकिन जीवन शांति प्लान में 79 ईयर्स तक का व्यक्ति डिफॉल्ट एनुटी ऑप्शंस को ले सकता है। पॉलिसी टर्म की बात करते इसमें LIC ने कहा है कि जब तक पॉलिसी होल्डर जीवित है तब तक पॉलिसी का टर्म रहेगा। वहीं पॉलिसी परचेस ऑप्शंस की बात करें तो आप पॉलिसी को ऑफलाइन किसी एजेंट के माध्यम से परचेस कर सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन परचेस करना चाहते हैं तो ऑनलाइन आप किसी कंप्यूटर मोबाइल या लैपटॉप का सहारा ले सकते हैं। मिनिमम जो परचेस प्राइस है जीवन अक्षय प्लान में वो है 1 लाख रुपया, वहीं जीवन शांति में इस प्लान के मिनिमम परचेस प्राइस है 1.5 लाख रुपया। मैक्सिमम परचेस प्राइस दोनों ही पॉलिसी में कोई भी सीमा निर्धारित नहीं की गई है, आप अपनी सेविंग या चाहे अपने इनकम के हिसाब से चाहे कितने तक का भी पॉलिसी परचेस कर सकते हैं। इस पॉलिसी के मिनिमम पेंशन जीवन अक्षय और जीवन शांति के बात करें तो मंथली यहाँ पर 1000 रुपया, क्वार्टरली 3000 रुपया, हाफ ईयरली 6000 रुपया, ईयरली 12000 रुपया, इससे कम का पेंशन आप यहाँ पर नहीं ले सकते। एनुटी परसेंटेज में देखें तो जीवन अक्षय जीवन शांति प्लान में जीवन अक्षय में 5% से लेकर 7% तक का यहाँ पर एनुटी परसेंटेज में मिल रहा है, वही जीवन शांति प्लान में वेरिएबल रिटर्न्स यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है 5.64% से लेकर 18% तक का यहाँ पर आपको पेंशन मिलेगा। बैंक लाइफ देखें तो जीवन अक्षय प्लान में डिपेंड करता है कि आप किस एनुटी ऑप्शंस को सिलेक्ट कर रहे हैं, कि उस ऑप्शन में जॉइंट लाइफ को अलाउएबल है या नहीं। जीवन शांति प्लान में डिफॉल्ट एनुटी ऑप्शन में आप सेकंड ऑप्शन में अपने किसी भी पार्टनर को ऐड कर सकते हैं। पेंशन पेमेंट ऑप्शन में आप मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, इन चारों में से अपनी सहूलियत के हिसाब से किसी भी एक ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस तरह आपको पेंशन मिले। मिनिमम जो डिफरमेंट पीरियड है जीवन अक्षय प्लान में 1 साल का है, जीवन शांति प्लान में भी 1 साल का है, लेकिन मैक्सिमम डिफरमेंट पीरियड जीवन अक्षय प्लान में नॉट अप्लीकेबल है, वहीं जीवन शांति प्लान में आप 20 साल तक इंतजार कर सकते हैं पेंशन के लिए। सरेंडर फैसिलिटी की बात करें तो जीवन अक्षय प्लान के इमीडिएट एनुटी ऑप्शन में आप ऑप्शन एफ और ऑप्शन जे में पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं, जीवन शांति में डिफरमेंट एनुटी के ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 में आप पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं। अगर आप इमीडिएट एनुटी ऑप्शन में पॉलिसी को सरेंडर कर रहे हैं तो यहां पर LIC 95% ऑफ परचेस प्राइस वापस से पॉलिसी होल्डर को रिटर्न कर देगी, वहीं अगर डिफॉल्ट एनुटी ऑप्शन में पॉलिसी को सरेंडर कर रहे हैं तो गारंटीड सरेंडर वैल्यू फैक्टर के बेस पर ही ये पॉलिसी को सरेंडर करके अमाउंट रिटर्न किया जाएगा।
जैसे कि पॉलिसी 1, 2, 3 में 75% के कैलकुलेशन के हिसाब से पॉलिसी को सरेंडर करके अमाउंट रिटर्न किया जाएगा। अगर 4 से लेके अबो अगर आप पॉलिसी को सरेंडर करते हैं तो 90% के कैलकुलेशन के हिसाब से यहाँ पर सरेंडर वैल्यू दिया जाएगा। लोन फैसिलिटी में जीवन अक्षय प्लान के इमीडिएट एनुइटी ऑप्शन में 80% ऑफ सरेंडर वैल्यू यहाँ पर दिया जा रहा है ऑप्शन एफ और ऑप्शन जे, मतलब इन्हीं दोनों ऑप्शन में आप पॉलिसी पर लोन ले सकते हैं। जीवन शांति प्लान में भी 80% ऑफ सरेंडर वैल्यू यहाँ पर दिया जा रहा है जो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 में यहाँ पर आपको मिलेगा। बेनिफिट अमाउंट पेबल ऑन डेथ, अगर किसी कारणवश बीमा धारक की मृत्यु हो जाती है तो यहाँ पर नॉमिनी को जो लमसम अमाउंट मिलने वाला है बीमा धारक की मृत्यु पर, तो वह उसे इंस्टॉलमेंट में ले सकता है, लेकिन उसे किसी एक पीरियड का चयन करना होगा जैसे 5 साल, 10 साल, 15 साल। लेकिन कम से कम जो मंथली मोड में 5,000 से कम का इंस्टॉलमेंट में नहीं ले सकते, क्वार्टरली में 15,000 से कम का इंस्टॉलमेंट नहीं ले सकते, हाफ ईयरली में 25,000 से कम का इंस्टॉलमेंट नहीं ले सकते, ईयरली में 50,000 से कम का इंस्टॉलमेंट नहीं ले सकते। दोस्तों ये तो था जीवन अक्षय प्लान और जीवन शांति प्लान के एलिजिबिलिटी एंड रिक्वायरमेंट के बारे में। अब हम बात करेंगे इस प्लान के एनुइटी ऑप्शन और उसके बेनिफिट के बारे में। तो जीवन अक्षय 7 की बात करें तो इस प्लान में जो एनुइटी ऑप्शंस ए है उसमें इमीडिएट एनुइटी फॉर लाइफ, इस प्लान को सिंगल होल्डर अपनी लाइफ में परचेस कर सकता है। पॉलिसी लेने के बाद जब तक वो जीवित है तब तक उसे यहाँ पे पेंशन मिलेगा, अगर किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाती है तो पॉलिसी को सीज कर दिया जाएगा और पॉलिसी को साथ साथ में टर्मिनेट कर दिया जाएगा। यहाँ पर जो नॉमिनी है उसे कोई भी अमाउंट रिटर्न नहीं किया जाएगा। ऑप्शन बी की बात करें तो इमीडिएट एनुइटी विद गारंटीड पीरियड ऑफ 5 years एंड लाइफ देयर आफ्टर, यहां पर भी सिंगल लाइफ पॉलिसी परचेस कर सकते हैं। इसमें भी जब तक पॉलिसी होल्डर जीवित है तब तक उसे पेंशन तो मिलेगा, अगर किसी कारणवश बीमा धारक की मृत्यु पॉलिसी गारंटीड पीरियड के 5 साल के पहले हो जाती है तो वहां पर जो नॉमिनी है उसको 5 साल के गारंटीड पीरियड तक पेंशन मिलेगा, उसके बाद पॉलिसी को सीज कर दिया जाएगा और टर्मिनेट कर दिया जाएगा। अगर किसी कारणवश बीमा धारक की मृत्यु गारंटीड पीरियड के बाद होती है, 10 साल 15 साल के बाद होती है, तो वहां पर इमीडिएटली पॉलिसी को सीज कर दिया जाएगा और टर्मिनेट कर दिया जाएगा। इसी तरह एनुइटी ऑप्शन सी डी ई में 10 साल 15 साल 20 साल का गारंटीड पीरियड दिया जा रहा है जो कि ऑप्शन बी के समान है। ऑप्शन एफ की बात करें तो यहां पर इमीडिएट एनुइटी फॉर लाइफ विद रिटर्न ऑफ परचेस प्राइस, यहां पर भी सिंगल पर्सन इस प्लान को परचेस कर सकता है, जब तक वो जीवित है तब तक वहां पर उसे पेंशन मिलेगा। लेकिन इसमें एक अच्छी सुविधा दी गई है कि अगर किसी कारणवश बीमा धारक की मृत्यु हो जाती है तो यहां पर नॉमिनी को जो परचेस प्राइस है वो रिटर्न कर दिया जाएगा और पॉलिसी को सीज करके परमानेंटली टर्मिनेट कर दिया जाएगा। तो इस ऑप्शन में नॉमिनी को परचेस प्राइस रिटर्न किया जा रहा है। ऑप्शन जी की बात करें तो इसमें इमीडिएट एनुइटी फॉर लाइफ इंक्रीजिंग एट अ सिंपल रेट ऑफ 3% ऑफ पर एनम, इसमें भी सिंगल पर्सन इस पॉलिसी को परचेस कर सकता है, लेकिन यहां पर जब भी पॉलिसी ईयर कंप्लीट होगा तो जो भी पेंशन अमाउंट रहेगा उसमें 3% सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से अमाउंट बढ़ता जाएगा, और उसके बाद अगर किसी कारणवश यहां पर बीमा धारक की मृत्यु हो जाती है तो तुरंत पॉलिसी को सीज कर दिया जाएगा। इस पॉलिसी में भी जो नॉमिनी है उसको परचेस प्राइस रिटर्न नहीं किया जाएगा। एनुइटी ऑप्शंस एच की बात करें तो इस ऑप्शन में आप किसी भी एक पर्सन को अपने पॉलिसी के साथ में ऐड कर सकते हैं। इसके बेनिफिट पेबल ऑन सर्वाइवल की बात करें तो यहां पर जब तक पॉलिसी होल्डर का प्राइमरी एनुटेंट जिंदा है जीवित है तब तक उसे 100% पेंशन मिलता रहेगा। अगर किसी कारणवश प्राइमरी एनुटेंट की डेथ हो जाती है तो जो सेकेंडरी एनुटेंट है उसे यहां पर 100% का 50% पेंशन मिलेगा। अगर सेकेंडरी एनुटेंट की भी डेथ हो जाती है तो जो नॉमिनी रहेगा उसे यहां पर कोई भी अमाउंट परचेस प्राइस नहीं दिया जाएगा। इसी तरह एनुइटी ऑप्शंस आई की बात करें तो एनुइटी ऑप्शंस आई में आप किसी एक पार्टनर को अपने पॉलिसी के साथ में ऐड कर सकते हैं। अगर यहां पर प्राइमरी एनुटेंट को 100% पेंशन मिल रहा है, किसी कारणवश उसकी अगर मृत्यु हो जाती है तो जो सेकेंडरी एनुटेंट है उसको भी 100% एनुटी मिलता रहेगा। किसी कारणवश अगर सेकेंडरी एनुटेंट की भी डेथ हो जाती है तो यहां पर पॉलिसी को सीज कर दिया जाएगा और पॉलिसी को टर्मिनेट कर दिया जाएगा, मतलब
जो नॉमिनी है उसको परचेस प्राइस यहां पर रिटर्न नहीं किया जाएगा। दोस्तों अब हम बात करेंगे जीवन अक्षय 7 के लास्ट एनुइटी ऑप्शन जे के बारे में। तो दोस्तों ये बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है, इसे आपको समझना चाहिए कि इसमें आप किसी एक पार्टनर को ऐड कर सकते हैं अपनी पॉलिसी के साथ में, साथ साथ में नॉमिनी को भी ऐड कर सकते हैं। किसी कारणवश यहाँ पर प्राइमरी एनुटेंट को 100% एनुटी तो मिल रही है, साथ साथ में अगर प्राइमरी एनुटेंट की डेथ हो जाती है तो सेकेंडरी एनुटेंट को भी 100% पेंशन मिलता रहेगा। अगर सेकेंडरी एनुटेंट की भी मृत्यु हो जाती है तो जो नॉमिनी है उसको 100% जो भी परचेस प्राइस रहेगा वो यहां पर रिटर्न कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये तो था जीवन अक्षय का एनुटी ऑप्शन। अब हम बात करेंगे जीवन शांति के एनुटी ऑप्शन के बारे में। तो पहला है डिफर्ड एनुटी फॉर सिंगल लाइफ। तो दोस्तों ये नाम से मालूम पड़ रहा है कि ये एक सिंगल पर्सन के लिए है, जिसमें पॉलिसी होल्डर का डिफरमेंट अगर उसने चूज किया है तब तक उसको पेंशन नहीं मिलेगा। एक बार डिफरमेंट पीरियड कंप्लीट होने के बाद जो भी उसने चूज किया है साल, उसके बाद उसको पेंशन मिलना चालू होगा। अगर किसी कारणवश बीमा धारक की मृत्यु हो जाती है तो यहां पर नॉमिनी को परचेस प्राइस प्लस एक्यूरेट गारंटीड एडिशन या तो फिर 110% ऑफ परचेस प्राइस, इन दोनों अमाउंट में से जो भी अमाउंट ज्यादा होगा वो नॉमिनी को दिया जाएगा। अगर यहीं पर डिफरमेंट पीरियड फॉर जॉइंट लाइफ की बात करें तो इसमें भी जब तक पॉलिसी होल्डर ने जो डिफरमेंट चूज किया है उसके दौरान बीच में कोई भी पेंशन नहीं मिलेगा, एनुटी कोई भी नहीं मिलेगी। वहीं अगर डिफरमेंट पीरियड कंप्लीट होने के बाद जो भी उसने साल सेलेक्ट किया है उसके बाद उसको पेंशन मिलना चालू हो जाएगा। अगर किसी कारणवश फर्स्ट प्राइमरी होल्डर की डेथ हो जाती है तो वहां पर सेकेंडरी एनुटेंट को पेंशन मिलना शुरू रहेगा। अगर सेकेंडरी एनुटेंट की भी डेथ हो जाती है तो जो परचेस प्राइस है प्लस जो एक्यूरेट गारंटीड एडिशन है या तो फिर 110% ऑफ परचेस प्राइस है, दोनों में से जो ज्यादा रहेगा वो अमाउंट वहां पर नॉमिनी को दिया जाएगा। दोस्तों ये तो था दोनों प्लान का एनुटी ऑप्शन। अब हम बात करेंगे एनुटी ऑप्शन में कितना परसेंटेज मिल रहा है, उसे एक एग्जांपल लेके समझेंगे। तो पहला हमारा आता है जीवन अक्षय प्लान, जिसमें मैंने एक एज कंसीडर की है, एज 40 इयर्स, जिसमें परचेस प्राइस है 10 लाख एक्सक्लूडिंग अप्लीकेबल टैक्सेस, मतलब टैक्सेस यहाँ पे ऐड नहीं किया है। अगर टैक्स आप जोड़ना चाहते हैं तो 1.8% मतलब 10,18,000 रुपए का यहाँ पर पेमेंट करना होगा। एनुटी मोड है, जो पेंशन मोड है वो सालाना है, और जो सेकेंडरी एड मतलब अगर किसी ऑप्शन में पॉलिसी होल्डर को जॉइंट लाइफ ऐड करना है तो जो जॉइंट लाइफ पर्सन है उसकी एज यहाँ पर 35 साल है। तो आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं किस एनुटी ऑप्शन में कितना एनुटी परसेंटेज मिल रहा है 10 लाख के ऊपर। तो उस हिसाब से आप अपने अमाउंट पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको यहाँ पर कितना एनुटी अमाउंट मिलेगा। उसी तरह जीवन शांति की बात करें तो प्लान नंबर 850 में भी यहां पर जो डिफरमेंट पीरियड मैंने ऐड किया है 10 साल का, डिफरमेंट पीरियड में भी देखेंगे तो एनुटी ऑप्शन 1 में डिफरमेंट जो सिंगल लाइफ है उसमें 10.52% मिल रहा है और डिफरमेंट जॉइंट लाइफ में 10.21% मिल रहा है आफ्टर 10 इयर्स के बाद, मतलब 40 साल का व्यक्ति को 50 साल की एज में पेंशन मिलना चालू होगा। तो दोस्तों ये तो है हमारा जीवन अक्षय प्लान और जीवन शांति प्लान, जिसमें आज हमने एलिजिबिलिटी एंड रिक्वायरमेंट देखा, साथ साथ में एनुटी ऑप्शंस के बारे में चर्चा किया कि कौन कौन से एनुटी ऑप्शंस है, उसके बेनिफिट क्या है और एनुटी ऑप्शन में कितना परसेंटेज मिलेगा, एक एज कंसिडर करके हमने एक उदाहरण लेके यहाँ पर हमने इसे कंपेयर भी किया। धन्यवाद दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूले, जिससे मुझे काफी प्रोत्साहन मिलता है कि मैं और भी जानकारी आपके साथ में साझा करूं। दोस्तों अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे वेबसाइट www.licinsure.in पर विजिट कर सकते हैं, अपने सवाल मुझे ईमेल भी कर सकते हैं licinsure1@gmail.com पर। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, आपके सवाल का जवाब देना मेरी जिम्मेदारी है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन बटन के साथ में ऑल ऑप्शन पर क्लिक कर दे, जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू दोस्तों।